मणिपुर की हिंसक घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की, राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। हिंदुस्तान का एक राज्य मणिपुर जो हिंसक घटनाओं की आग में झुलस रहा है, लोगों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, उग्र भीड़ इकट्ठा होकर गरीब और निहत्ते लोगों पर जुल्म और अत्याचार कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, जब बल्कि मणिपुर की जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, ये वीडियो अपने आप में खुद बयां कर रही है। इन वीडियो को देखकर हिंदुस्तान की जनता विचलित हो उठी है। मणिपुर की हिंसक घटनाओं के वीडियो को लेकर आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान आनंद ने कई दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। फैसल खान लाला ने कहा, मणिपुर की हिंसक घटनाओं को रोका जाए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हाय हाय लोकतंत्र का दुश्मन, हाय हाय लोकतंत्र का दुश्मन, हाय हाय लोकतंत्र का दुश्मन, हाय हाय इंसानियत का दुश्मन, हाय हाय इंसानियत का दुश्मन, हाय हाय इंसानियत का दुश्मन, हाय हाय केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार। पिछले दो महीने से मणिपुर के अंदर हिंसक घटनाओं की वीडियो सामने आ रही हैं और अब तो दिल दहला देने वाली वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रकाशित हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आज इन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी के तहत जनपद रामपुर के अंदर आज आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन रामपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। ये घटनाएं जो मणिपुर के अंदर हो रही हैं, इस पर मणिपुर की सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। और अब से कुछ दिन पहले हमने मणिपुर के सीएम का एक इंटरव्यू देखा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि एक दो वीडियो या एक दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि 100 से अधिक घटनाएं मणिपुर के अंदर हुई हैं। जिस राज्य का सीएम इस तरीके के बयान दे रहा हो, आप सोचिए उस राज्य के अंदर पब्लिक का क्या हाल होगा। ये घटना अगर मणिपुर के अंदर नहीं रुकी तो हमें अंदेशा है कि एक एक करके देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस तरीके की घटनाएं होंगी। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि फौरन तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री को निष्कासित किया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।